मैं आज आपको ये जो मोबॉन है, मोबॉन हनी, इस हनी का प्रोडक्ट रिव्यू मैं आपको करूँगा। देखिए उसके ऊपर वाला जो ये प्लेट है, देखिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वेस्ट बंगाल, ये ब्रांड का हनी मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रांड का ये कोई कंपनी नहीं है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये प्रोडक्ट है। और देखिए इसमें देखिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वेस्ट बंगाल है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कंपनी है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। देखिए वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्यों ये प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हो, मार्केट में जितना सारा हानि है ना, मधु है, आप तो पहले तो मधु आपको प्योर नहीं मिलेगा, आप इफ़ यू कैन गेट द हनी प्योर, आपको अगर मधु मिल भी जाए, जो मधु काटता है, जो मधु कलेक्ट करता है, जो लोग मधु कलेक्ट करते हैं उसके पास से अगर मधु आपको मिल भी जाए, वो एक्चुअली मधु प्योर नहीं होता, उसके अंदर में थोड़ा सा उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, वो डायरेक्ट मधु खाया नहीं जा सकता, उसके अंदर थोड़ा सा देखिए डायरेक्ट वो जो मधुमक्खी है वो कलेक्ट करके क्या होता है, कलेक्ट करके ये मधु के अंदर कलेक्ट करता है, उसके आफ्टर प्रोसेसिंग उसको कंज्यूमेबल होता है, खाने का योग्य होता है। आप अगर मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा मधु चाहिए तो मैं कहूँगा ये जो मधु है सबसे अच्छा मधु है, जितना भी सारा देखिए मार्केट में डाबर का है, जंडू का है, वो अपने पैकेट के ऊपर लिखता है 100% गारंटी है मधु है, मधु है ठीक है, लेकिन उस मधु में और इस मधु में बहुत सा डे एंड नाइट डिफरेंस है, क्योंकि वो जो कंपनी मधु कलेक्ट करता है वो कल्टीवेट करता है, अपना जो स्पेस है स्पेस में कल्टीवेट करता है, और ये जो मधु है ये कल्टीवेट नहीं होता, ये किधर से कलेक्ट होता है, देखिए इसमें लिखा है एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, देखिए इसमें साइड में कुछ लिखा है नेचुरल हनी ऑफ सुंदरबन्स, आप सब लोग जानते हैं सुंदरबन्स इज फेमस फॉर हनी, मधु के लिए सुंदरबन्स सबसे अच्छा है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल है बंगोपसागर उसमें उधर में है सुंदरबन्स, जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं और जो लोग कोलकाता में रहते हैं और उसके आसपास और वेस्ट बंगाल का कोई भी प्लेस में रहता है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, उस ऑफिस से यू कैन कलेक्ट दिस प्रोडक्ट, आप अगर वेस्ट बंगाल के रेसिडेंस हो तब, ये भारत के और स्टेट में इफ़ यू कैन फाइंड इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो आपके स्टेट में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो मधु प्रोसेसिंग करता है तो कोई बात नहीं, आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आपके जो स्टेट में उसे आप कलेक्ट कर पाएंगे इफ दे प्रोड्यूस दिस हनी, ये हनी सबसे अच्छा ही है, नेचुरल हनी है, और जो हनी कंपनी में जो कंपनी परचेस करते हैं ना हम लोग, जो डाबर का हनी है जंडू का हनी है सब कल्टीवेटेड किया है, उस हनी में कोई पावर नहीं होता और इस हनी में बहुत ही पावर रहता है और इस टेस्ट एकदम नेचुरल जैसा है, देखिए इसका टेस्ट एकदम नेचुरल जैसे, देखिए मैंने ये खोल लिया, ये जो सुगंध है ना, सुगंध मेरे नाक में आ रहा है, अगर कोई सेंसर होता तो आप इस वीडियो के ज़रिए ये सुगंध आपको मिल सकता है, इधर में कोई सेंसर होता है ऐसे कोई इन्वेंट किया है, तो ये मधु अच्छा है। देखिए इसका प्राइस मैं आपको बताऊँगा,
130 rupees इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 130 rupees और इसका नेट वेट है 250 ग्राम है। और इसमें क्या लिखा है, डू नॉट रेफ्रिजरेटिव इंट्रेजेंट हनी 100% नो एडेड कलर एंड प्रिजर्वेटिव, इससे कोई प्रिजर्वेटिव एकदम नहीं है, क्योंकि आप आंखें बंद कर इसको बिलीव कर पाएगी, यू कैन ट्रस्ट, क्लोज योर आईज एंड यू कैन स्टार्ट, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है। इसलिए आप देखिए, और एक है इसको 18 मंथ आपको ये यू कैन स्टोर इट इन 18 मंथ। और ये हनी क्यों अच्छा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो एग्जांपल इसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय मुझे बताया वही मैं आपको बताऊंगा। उस एम्प्लॉय ने बताया, मैं भी उनको पूछा जो मार्केट का जो हनी है और इसका जो हनी है इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि मार्केट में वो भी हनी है ये भी हनी है, वो भी प्योर है ये भी प्योर है। उसने मुझे बताया, देखो बेटा पहले देखो, कुछ कुछ गाय जो काऊ होता है, कुछ कुछ गाय क्या होता है खुले मैदान में, खुले जो फील्ड होता है फील्ड में खाता है, घास खाता है, पत्ता वगैरह खाते हैं। और कुछ कुछ गाय अपनी घर में, जो गाय का जो घर होता है घर में बैठकर खाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाता, वो घर में ही रहता है, घर में ही खाता है, सब कुछ घर में ही करता है। और जो गाय बाहर घूमता है, खाता है, मैदान में घास खाता है, सब कुछ खाता है, वो उसका उससे जो दूध निकलता है, आप बताइए कौन सा गाय से दूध जो बनेगा उस दूध खाने से बहुत ताकत मिलेगा। जो गाय जो सेकंड वाला जो गाय है जो घर में ही पलता है, घर में ही बढ़ता है, घर में ही बच्चा पैदा करता है, वो गाय का दूध सबसे ताकतवर है। और पहले वाला जो गाय मैंने बताया जो बाहर घूमकर घास खाता है, सब कुछ खाता है, उसका दूध का पावर सबसे अच्छा है। उस एम्प्लॉय ने मुझे बताया जो पहले वाला गाय है जो बाहर घूमता है खाता है, उसका दूध कम होगा, पतला होगा, लेकिन उससे स्टैमिना बहुत स्ट्रांगनेस आएगा, यही फ़र्क उसने मुझे बताया। देखिए ये नेचुरल हनी है, ये मेरा कोई ओपिनियन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने मुझे ऐसे बताया, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये नेचुरल हनी है, जो हनी बी है वो नेचुरल तरीके से हनी कलेक्ट करता है, और जो मार्केट में जो हनी बिकता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो आदमी होता है जो वो मधुमक्खी को खरीदता है, खरीद कर अपने प्लेस में अपने फार्मर में वो अपनी बॉक्स में उसको पालता है, पोसता है, और उसको चीनी खिलाता है, गुड़ खिलाता है, बहुत कुछ खिलाता है, वो नेचुरल तरीका नहीं है, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि उसको गुड़ खिलाता है, मीठा खिलाता है, सब कुछ मीठा मीठा खिलाता है, और साइड में थोड़ा सा जैसे कि सरसों का खेत हो, कोई फूल का खेत हो, ठीक है, आस साइड में थोड़ा सा फूल का खेत हो, कोई बात नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, वो जो मार्केट में प्रोडक्ट जो बनता है वो नेचुरल तरीके से नहीं है। और ये जो है देखिए, इसमें लिखा है नेचुरल हनी ऑफ सुंदरबन, ये सुंदरबन से कलेक्ट होता है। और देखिए इसका कोई एडवर्टाइज नहीं है, किसी में भी आप एडवर्टाइज नहीं है, जो लोग इसको जानता है मोबॉन हनी और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वही लोग ये डिपार्टमेंट में जाकर परचेस कर सकते हैं, कोई खुले दुकान में, कोई ऑनलाइन शॉपिंग में यू कैंट बाई।
आप इसको खरीद नहीं सकते क्योंकि इसे कोई ऐड नहीं है और इसको इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो ज़्यादा ही लगा। देखिए 200-250 ग्राम का प्राइस है 130 रुपीज़ है, एक किलोग्राम का नहीं मिलेगा और ये कुछ सीजन में मिलता है। देखिए ये कुछ सीज़न में मिलता है, आप अगर इसको देखे और नहीं भी देखे, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हैं तो आपके साइड में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस हो तो उसमें जाइए, जाकर ये देखिए, इस वीडियो को शो कीजिए और इसको जो स्नैपशॉट लीजिए, दिखाइए और परचेस कीजिए और एंजॉय करिए एक्चुअली नेचुरल हनी का स्वाद। मैं तो इसको सबको कहूँगा ये हनी परचेस करे, बाय करे, खाए और हनी का जो टेस्ट है वो मज़ा ले। पैसे का चिंता मत फिक्र करे, मुझे तो सबसे अच्छा ये हनी लगा, मैं तो इसको ही सबको कहूँगा ये परचेस करे, खाए, ये सबसे अच्छा हनी है। इसका टेस्ट कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रांड का जो टेस्ट है, जैसे कि डाबर का हनी, जो झंडू का हनी, उसका थोड़ा सा मिठास मिठास टेस्ट, और इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा है। ये मीठा है, थोड़ा सा अलग सा है, ये खाने के बाद थोड़ा सा मुँह थोड़ा सा अलग सा ढंग का हो जाएगा, एक थोड़ा सा एक आनंद आ जाएगा ये खाने से। आप पानी में खाए, आप ब्रेड के साथ खाए, ऐसे ही चम्मच में उठाकर खाए, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि और एक इसका असुविधा है, ये सब सीजन में आपको नहीं मिलेगा, यही एक का सबसे असुविधा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।